दिल्ली के अलीपुर इलाके में मिड डे मील के कच्चे चावल से भरे चार ट्रक एसडीएम अलीपुर की टीम ने पकड़े। करीब 1500 बोरी चावल की नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली एरिया से लाकर यारोनी जिले के गोदाम में उतारी जा रही थी। गोदाम मालिक शाम तक नहीं आया सामने। सुबह से माल की रसीद कागज नहीं मिले हैं। एसडीएम को जैसे पता चला कि यह माल किसी एजेंसी में जाना था और यहाँ कैसे पहुंचा है, यहाँ से किसी रसोई में जाकर तैयार होना था या ये अवैध है, इसकी जांच सभी डॉक्यूमेंट चेकिंग के बाद हो पाएगी। पर ट्रकों के ड्राइवर किसी तरह के कागज नहीं जुटा पाए। अब अलीपुर एसडीएम टीम एफएससीआई से इसकी चेकिंग करवा रही है और अधिकारियों द्वारा डॉक्यूमेंट का इंतजार है ताकि जिसे साफ हो सके ये गोदाम वैध है या अवैध। फिलहाल अलीपुर एसडीएम मामले की जांच कर रही है और गोदाम और ट्रकों को सील कर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सुबह तक कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट आने की बात कही गई है, तभी साफ हो पाएगा कि राशन वैध है या अवैध। चार ट्रक हैं और जो बताया जा रहा है वो 307 बोरे पर ट्रक हैं और कुछ माल अंदर भी गोडाउन में मिला है हमें। मेरे ख्याल से 90-95 बोरियाँ गोडाउन के अंदर भी पड़ी हुई थी, तो आप मान लीजिए कोई 1200 से ऊपर बोरियाँ तो हैं ही, 1300 के आसपास बोरियाँ हमें मिली हैं जो कि राइस की बोरियाँ हैं और ये बच्चों का मिड डे मील का सामान है। और किस एजेंसी ने दिया है, किस एजेंसी के लिए है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल नहीं है। क्या इस एंगल से भी आप जांच करेंगे कि पहले इस तरह का होता रहा है या फर्स्ट टाइम है? देखिए, वो हमें प्रूफ्स नहीं मिल पाएंगे उस बारे में और उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बाहर आता है वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, अभी हमने एक फर्स्ट स्टेप ही लिया है बेसिक, बाकी जो आगे पता चलेगा उसमें देखते हैं क्या निकलता है। एक्चुअली अभी तक हमें यही नहीं पता कि दिल्ली सरकार ने या किसने इन्हें रिलीज किया है, क्या एमसीडी का माल है कि दिल्ली सरकार का माल है, किस एजेंसी ने सामान दिया है वही नहीं पता चल रहा है। तो अभी तक तो हमें यही कागज नहीं मिले हैं कि ये है किसका माल। गोदाम के मालिक से मुलाकात हुई? नहीं, गोदाम के मालिक यहाँ नहीं है, गोदाम के मालिक सामने भी नहीं आ रहे हैं। हमें जो वहाँ पे मैनेजर्स वगैरह थे वही मिले हैं अभी तक, तो हमने नोटिस तो दे दिया है कि आप हमें बताइए कि ये क्या माल है, कहाँ से आया है, आपको किस लिए इशू हुआ है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे सीरियस केसेस बनते हैं अगर ये प्रूफ होता है कि ये गलत माल आया है या डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, राइस है ये, अभी जो ट्रकों में है वो राइस है। कितने ट्रक हैं और किस तरह का ये माल था, सरकारी कहाँ यूज होना था, कितनी संख्या में, कैसे पकड़ा गया? हमारे को कल शाम को एक इन्फॉर्मेशन आई कि चार ट्रक बिना किसी कागजों के, बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी अप्रूवल के यहाँ पे अलीपुर में एक गोडाउन में, प्राइवेट गोडाउन में उतर रहे हैं और ये माल मिड डे मील के नाम से रिलीज हुआ है और ये अक्रॉस दिल्ली के दूसरे दूसरे कोनों का माल है और ये यहाँ पे आके उतर रहा है। मिड डे मील में एक प्रोविजन शायद ये है कि किचन जो है जहाँ पे है उसके 500 मीटर के अंदर में ही गोडाउन होना चाहिए जहाँ पे वो माल आएगा। तो हमने इमिडिएटली एक्शन लिया एंड पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, जिसने हमें इन्फॉर्म किया है उन्होंने ही। तो हम लोग वहाँ स्पॉट पे पहुँचे, हमें ये ट्रक्स मिले, इनके पास कोई पेपर वर्क नहीं था कि ये कहाँ का माल है, किस लिए आया है। सारे एफसीआई के ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट की ग्रेन्स हैं एंड वर्बली हमें बताया गया है कि ये मिड डे मील का बच्चों का माल है और लोनी तक का माल यहाँ पे है, लोनी और रण झोला और समथिंग कुछ ऐसा ही नाम एक और बताया, और अलीपुर का भी है। और पर इन्होंने कोई कागज़ नहीं थे, कोई इनके ट्रक के ड्राइवर्स के पास पर्ची नहीं थी। चार ट्रक हमें मिले हैं जिनमें से दो ट्रक के ड्राइवर तो भाग गए हमें देख के और दो ही वहाँ थे, उनके पास भी पर्चियाँ जो थी वो बहुत वेग हैं, उन पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि ये क्या माल है, किस एजेंसी ने ये माल सप्लाई किया है, किस एजेंसी को सप्लाई किया है, ऐसा इस पर कोई पेपर वर्क हमें नहीं मिला है। तो एज ऑफ नाउ हमारा सस्पिशन यही है कि ये डाइवर्जन का केस है, जो गवर्नमेंट का स्टॉक था पेपर गोडाउन, बच्चों के लिए जो राशन मिल रहा है, बच्चों के खाने के लिए, जो गरीब बच्चों के स्कूलों के लिए राशन है, उसको कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है इलीगली। और नहीं भी है तो कुछ तो इसमें हमें एज ऑफ नाउ सस्पिशन लग रहा है, पर देखें हमें कंफर्म कुछ नहीं पता है, हमने उन्हें शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। हम एज ऑफ नाउ स्टॉक को सिर्फ, हमने गोडाउन को सील किया है, हम बेसिक इंक्वायरी कर रहे हैं कि माल कहीं सही तो नहीं है, कहीं हम लोग को इन्फॉर्मेशन गलत है आई है तो नहीं है, अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी पूरा प्रोसीडिंग चल रही है। एज ऑफ नाउ हमारे को हमने बेसिकली ये माल सीज किया है। दिल्ली सरकार ने या किसने इन्हें रिलीज किया है, क्या एमसीडी का माल है कि दिल्ली सरकार का माल है, किस एजेंसी ने सामान दिया है वही नहीं पता चल रहा है। तो अभी तक तो हमें यही कागज नहीं मिले हैं कि ये है किसका माल। गोदाम के मालिक से मुलाकात हुई? हमें मुझसे नहीं, गोदाम के मालिक यहाँ नहीं है, गोदाम के मालिक सामने भी नहीं आ रहे हैं। हमें जो वहाँ पे मैनेजर्स वगैरह थे वही मिले हैं अभी तक,
तो हमने नोटिस तो दे दिया है कि आप हमें बताइए कि ये क्या माल है, कहाँ से आया है, आपको किस लिए इशू हुआ है, क्योंकि इस पे काफी सारे सीरियस केसेस बनते हैं अगर ये प्रूफ होता है कि ये गलत माल आया है या डाइवर्ट कर रहे हैं। तो उसमें देखा जाए तो माल क्या क्या है, दाल देवताधीन पांडे। हाँ पांडे जी, ये ट्रक जो खड़े हैं किसके ट्रक हैं, क्या इनमें सामान है? हाँ जी, मेरे को कुछ नहीं ये मालूम नहीं है, इसमें चावल लदा हुआ, कच्चा चावल है, सुबह से देख रहा हूँ ऐसे गाड़ी खड़ी है। कितने ट्रक हैं यहाँ पर? यहाँ पे दो ट्रक मैं देख रहा हूँ, ट्रक है चार। कितना ट्रक है? चार। तो क्या पुलिस वगैरह भी यहाँ पर आई है, किस लिए आई है? अब ये मैं नहीं जानता, पुलिस आगे खड़ी है।